नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे प्राथमिक शैक्षणिक विषय नहीं पढ़ाने वाले मदरसों को औपचारिक स्कूल नहीं माना जाएगा और इनमें पढ़ने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर माना जाएगा, यानी कि उन बच्चों को जो कि मदरसे में जाते हैं उन्हें आउट ऑफ स्कूल की कैटेगरी में रखा जाएगा। सरकार के इस प्लान के इस ऐलान के बाद इस पर हर ओर से जो है प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सवाल ये पैदा हो रहा है कि सरकार अगर मदरसों को का आधुनिकीकरण करना चाहती है तो उनकी मान्यता रद्द करने से क्या उद्देश्य हल होगा? साथ ही क्या लाखों की तादाद में वो छात्र जो मदरसों को छोड़कर सामान्य स्कूलों में वापस आना चाहेंगे, सरकार के पास उनके लिए क्या योजना है? लेकिन साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आज के इस आधुनिक युग में मदरसा शिक्षा की आखिर प्रासंगिकता क्या रह गई है? साथ ही अगर संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो क्या मदरसों के मामले में जो दरअसल धर्म की शिक्षा देते हैं सरकार को दखल भी देना चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही एक रियलिटी चेक भी करेंगे, ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने मदरसे हैं जो इस फैसले की जद में आ सकते हैं, इस फैसले से प्रभावित होंगे और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके भविष्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हिलाल अहमद हैं, फेलो हैं CSDS में। दूसरे खास मेहमान अबू साले शरीफ हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, डेमोग्राफर हैं और सचर कमेटी रिपोर्ट में खासकर इनका बड़ा योगदान रहा है। तीसरे मेहमान मेरे साथ शेष नारायण सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही संबित पात्रा भी मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। और हम दो और उन लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे फोन लाइन पर जिनको मदरसों के बारे में अच्छी मालूमात है और खासकर मदरसे की जो शिक्षा है उससे जुड़े रहे हैं। सबसे पहले अबू साले शरीफ, आप एक अथॉरिटी माने जाते हैं इस पूरे मुद्दे पर, सचर कमेटी ने भी जिक्र किया था मदरसा एजुकेशन का। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिक्र होता है मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकीकरण का, तो मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें इसके खिलाफ बात कही गई है कि मदरसों के मामले में सरकार इंटरफेयर ना करे। अब इस फैसले को सरकार के आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो फैसला है स्टेट का फैसला है, तो हर स्टेट की अलग पॉलिसी है एजुकेशन की, यू नो, बिकॉज एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट। अब मदरसे देखिए, वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि 40% वेस्ट बंगाल के मदरसों के तलबा हिंदू है, नॉट मुसलमान। तो क्योंकि वहां का एक कल्चर आया हुआ है कि जो 40% मदरसा स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल, मेरा एक ओपेड है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो जब मैंने रिसर्च किया था, तो वो हिंदू बच्चे हैं। तो उसका मतलब है कि वहां मदरसे में मुसलमान बच्चे जाते हैं, मुसलमान अरबी भी पढ़ लेते हैं, हिफ्ज भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो केरला में जाइए तो वहां का मदरसों का स्ट्रक्चर अलग है, यूपी बिहार में मदरसों का स्ट्रक्चर अलग है, महाराष्ट्र का मुझे वेरी क्लियर नहीं है, नंबर वन। नंबर दो, अब देखिए शिक्षा का जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे बच्चे हैं, वेदर हिंदू हो मुसलमान हो, उनका एक फ्यूचर देखा जाए तो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ध्यान जाता है और गवर्नमेंट ने उसको मॉडर्न एजुकेशन के दायरे में डिफाइन किया है। मगर रिलीजियस एजुकेशन को क्या हम विद्या माने या ना माने, इसका फैसला कहां है और इसका डेफिनेशन किसने छांटा है वो मुझे क्लियर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, गवर्नमेंट के पॉलिसी में क्या लिखा है, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। बट हमारे देश में कोई भी मत हो, रिलीजन हो, उसके एजुकेशन, उसके संस्कृति और उसके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी विद्या चाहिए वो कर सकते हैं। हिंदू लोग हैं तो अपना अपने उसमें संस्कृत पढ़ाइए, श्लोक पढ़ाइए, उनको बनाइए, तो मुसलमान है तो अपने कुरान पढ़ाइए, उसका हिफ्ज करवाइए, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इजाजत है। मैं अगर ठीक आपकी बात समझ पा रही हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि मदरसों को इसलिए भी अस्तित्व में रहना चाहिए अपने स्टाइल के साथ, अपनी पद्धति के साथ, चूंकि उससे एक समुदाय का कल्चरल प्रोटेक्शन होता है, कल्चरल प्रोटेक्शन होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्राइवेट अफेयर ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि सरकार वाकई, क्योंकि सरकार जाहिर है वेलफेयर स्टेट है, को सभी चाहे किसी भी समुदाय के छात्र हों उनके लिए कंसर्न है, चिंता है कि भी लाखों की तादाद में चाहे 4% बच्चे ही जा रहे हैं पूरे मुस्लिम समुदाय के, लेकिन 4% भी लाखों करोड़ों बच्चे बन जाते हैं, उनकी तादाद को लेकर, उनके भविष्य को लेकर सरकार चिंतित है? नहीं नहीं, यहाँ पे आप फिर डेफिनेशन के बारे में आप सोचिए, क्या डेफिनेशन है मदरसे का। अब मैं वेस्ट बंगाल का एक मिसाल दिया आपको, वेस्ट बंगाल में मदरसा है मगर वह हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, अरबी भी पढ़ने की अवकाश है वहां पे,
तो वहां पे एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज है। अब महाराष्ट्र में ये क्या मान्यता की क्या बात है, मदरसों को गवर्नमेंट की क्या मान्यता चाहिए? अगर मदरसे में मेरे बच्चे को हिफ्ज करवाना है मुझे, तो मुझे गवर्नमेंट के पत्र की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजियस एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अलावा हिलाल अहमद साहब, मामला इतना भी साधारण नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। हम जानते हैं कि लोग अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा मदरसों में गुजारते हैं, क्योंकि कई तरह के मदरसे होते हैं। मैं बात कर रही हूँ उन मदरसों की जो रेजिडेंशियल होते हैं, जहाँ बाकायदा लोग सोच समझ के अपने बच्चों को भेजते हैं कि उन्हें धार्मिक शिक्षा के तहत उन्हें प्रीचर बनाना है या जो भी कुछ बनाना है, उनके भविष्य को लेकर क्या सरकार को चिंता नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन जैसे साले शरीफ साहब ने कहा कि यहाँ दो बातें हैं। पहला सवाल ये है कि क्या धार्मिक जो शिक्षा है वो शिक्षा की परिभाषा में आती है या नहीं आती है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। और क्योंकि शिक्षा का विषय जो है वो राज्य का विषय है, तो राज्य विशेष ये तय करेगा कि कौन सी शिक्षा को वो फॉर्मल एजुकेशन मान रहा है और कौन सी शिक्षा को फॉर्मल एजुकेशन नहीं मान रहा है। और इसके बीच में एक योजक है, और योजक क्या है कि आपने मदरसे में ये शिक्षा प्राप्त की है और उसके बाद में आप फॉर्मल एजुकेशन में जाते हैं, तो कई सारे राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि आप उसको कर सकते हैं। जैसे यूपी का एग्जांपल है कि अगर आपने कुछ समय अपना मदरसे में बिताया और उसके बाद में आपने एक डिग्री ली और उसके बाद आप जो है, जैसे जामिया में एक व्यवस्था है, अलीगढ़ में एक व्यवस्था है कि आप जाकर वहां पर एडमिशन ले सकते हैं और वो आपकी उस डिग्री को, हाँ, ब्रिज कोर्सेज है, आपकी उस डिग्री को आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। बल्कि मदरसे के स्टूडेंट तो जेएनयू जाकर भी पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल, जेएनयू जाकर भी पढ़ाई करते हैं। तो एक तरफ मुझे लगता है यहाँ पर दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तरफ सरकार जो कह रही है वो ये कह रही है कि देशज ज्ञान को बढ़ावा देना चाहिए, इंडिजिनस नॉलेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हम हिंदुस्तानी इस्लाम की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तानी इस्लाम की शिक्षा पद्धतियों की बात कर रहे हैं, तो ये देशज ज्ञान है। दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं, अगर हम भाजपा का अभी हाल ही का जो 2014 का मैनिफेस्टो उठाकर देखें, जिसमें साफ कहा गया है कि हम आधुनिकीकरण को इस तरह लेकर आएंगे कि देशज ज्ञान बरकरार रहे, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है? यह अस्पष्ट है अभी तक। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं देखिए, मैं मेरा संबंध राजनीति के अध्ययन से है और अगर मैं इसको राजनीतिक पक्ष इसका करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की नीतिगत अस्पष्टता के कारण ये जो और जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि आपके पास में कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ पॉलिसी तो है नहीं, तो आप क्या करते हैं, कोई ट्रिगर छोड़ देते हैं, तो एपिसोड में चीजें नजर आती हैं, आप एपिसोडिक हैं, और वो एपिसोडिक केवल इसी विषय पर नहीं है, डिजिटल इंडिया से लेकर और लैंड एक्विजिशन तक हर जगह एपिसोडिक नजर आ रहा है। तो जब तक आपके पास में कोई बड़ा प्लान ऑफ एक्शन नहीं होगा, तो चीजें इसी तरह से, मदरसों में होता क्या है, मदरसों में होने की बात नहीं है। अगर हम वाकई आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं और आप देशज ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो आपको एक एक जिसे कहते हैं नीतिगत विमर्श का निर्माण करना पड़ेगा। काफी दलीलें यहाँ पर इकट्ठी हो गई हैं, समित पात्रा के लिए सवाल भी। समित पात्रा जी, ये बताइए, फिलहाल दो महत्वपूर्ण बातें जो दो मेहमानों के जरिए कही गई, जो समझ पाई हूं मैं, अबू साले शरीफ ये कह रहे हैं कि कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए, खासकर एक समुदाय या एक रेस, उसके लिए भी मदरसों का होना, उनके जिस फॉर्म में है, वो जिस तरह से रिलीजियस एजुकेशन देते हैं उसी फॉर्म में होना अहम है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इंडिजिनस नॉलेज को लेकर हिलाल अहमद उठा रहे हैं कि जब संस्कृत को बचाने की बात हो रही है, आगे बढ़ाने की बात हो रही है, योग को कर बात हो रही है, कि जो हमारे देश में पनपे उपजी चीजें हैं उन्हें आगे बढ़ाकर साथ लेके चलेंगे और आधुनिकता और साथ साथ इंडिजिनस जो चीजें हैं उनको आगे लेके बढ़ेंगे, तो मदरसों के साथ क्या समस्या है? देखिए आयशा जी, मुझे लगता है अंग्रेजी में कहावत है कि दैट वॉल्यूम्स हैव बीन रिटन शोज हाउ लिटिल इज नोन। जब बहुत कुछ बोला जाता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम उस विषय के बारे में पता होता है। अब देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं पूरा ये महाराष्ट्र का जो आया है सर्कुलर वो क्या है। इसमें कोई मदरसा स्पेसिफिकली हो ऐसा नहीं, आप सर्कुलर को देखेंगे तो मदरसा एज वेल एज वैदिक स्कूल्स, जहां केवल रिलीजियस आधार पर पढ़ाया जाता है, उन सबके लिए है। तो मदरसा और वैदिक स्कूल दोनों के लिए कहता हूं। कल अर्थात 4 जुलाई को एक हेड काउंट होना है, अर्थात एक सर्वे होना है। ये आरटीई के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन जो आया था 2009 में, उसके अंतर्गत होना है कि आखिर कितने बच्चे, जो आरटीई के अंतर्गत कहा गया है, स्पेसिफाई किया गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसमें 4 सब्जेक्ट्स का होना अनिवार्य है, लैंग्वेज, साइंस, सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, कौन कौन से बच्चे ऐसे पूरे महाराष्ट्र में है जो ये 4 स्टडीज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत पढ़ते हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो ये 4 स्टडीज आरटी के अंतर्गत नहीं पढ़ते हैं। बस इसका हेडकाउंट होना है।
ये कोई डीरेकॉग्नाइजेशन नहीं हो रहा है मदरसों का, या मदरसों को बंद करने की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये हेड काउंट होने के बाद क्या किया जाएगा, चाहे वो वैदिक स्कूल हो चाहे वो मदरसा हो, किस प्रकार पैसा अधिक खर्च करके ये चार सब्जेक्ट उनके साथ ऐड किया जाएगा। अर्थात आप जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन सीख रहे हैं या जो वैदिक चैंटिंग सीख रहे हैं वो तो आप करते ही रहिए, वो आपका प्राइमरी है, वो उसको कोई छेड़ेगा नहीं। उसके साथ आप पर मदरसा 5,50,000 रुपए आप लेके जाइए ग्रांट, और ये चार सब्जेक्ट भी जोड़ दीजिए ताकि बच्चा वो भी सीखता रहे और साथ में साथ ये भी सीखता रहे, ताकि जो वैदिक चैंटिंग पढ़ रहा है वो आगे चलकर डॉक्टर इंजीनियर जैसे मेन स्ट्रीम प्रोफेशन में भी आ सकता है। जिन मदरसों में ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो एग्जेम्प्टेड है, उनका हेडकाउंट आउट ऑफ स्कूल में नहीं होगा, इन स्कूल में होगा। जिन मदरसों या वैदिक स्कूल में ये चार सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते हैं वो आउट ऑफ स्कूल में हेडकाउंट होगा। तो आप बताइए इसमें हिंदू मुस्लिम मदरसा डिवीजन कहां से आ गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन संबित पात्रा जी, ये जो सबसे बड़ी दलील यहां पर जो मंत्री महोदय ने दी है, उनकी दलील ये है कि अगर एक बच्चा दूसरे मजहब का है तो मदरसे में पढ़ने की उसे अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए मदरसा एक स्कूल नहीं है बल्कि धार्मिक शिक्षा का स्रोत है, इसलिए हमने उनसे छात्रों को दूसरे विषय भी पढ़ाने को कहा है। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ यही ध्वस्त हो जाता है कि दूसरे मजहब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। नहीं, ऐसा तो उन्होंने किसी सर्कुलर में नहीं कहा कि दूसरे मजहब के बच्चे नहीं पढ़ सकते। मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल बयान दिखा रही हूँ, राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री एकनाथ खड़से साहब ने ये बात कही है। नहीं देखिए, जहां तक मेरे पास जो सर्कुलर है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से है राज्य के, और उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि केवल हेडकाउंट हो रहा है आउट ऑफ द स्कूल, जो ये चार नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत चार सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको एडिशन कर दिया जाए। मदरसे में आप ये चार सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए, वैदिक स्कूल में आप चार सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए, बदले में पैसे भी स्टेट गवर्नमेंट से लीजिए, तो इसमें क्या हर्ज है? और इसमें एक राजनीतिक एंगल भी मैं ऐड करूं, बहुत सारे राजनीतिक लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग या हिंदू समाज के लोग जो ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते थे अगर वो पढ़ के मेन स्ट्रीम में आ जाए तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उस पर सेंध लगेगा, तो बड़ी हल्ला गुल्ला इससे मचाया जा रहा है। जी हाँ, लेकिन सिर्फ 4% बच्चे ऐसे हैं जो मदरसे जाते हैं, ये बात बार बार याद रखनी जरूरी है। 96% ऐसे हैं उनमें जो स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ आधे ऐसे हैं, आंकड़ा ये बताता है सचर कमेटी का, जो स्कूल जा पाते हैं। यानी कि करीब आधे बच्चे ऐसे हैं शहरी बच्चे 60% के आसपास जो किसी स्कूल नहीं जाते, मदरसा भी नहीं जाते, किसी फॉर्मल स्कूल भी नहीं जाते। पूरी एजुकेशन पॉलिसी मदरसे के हैसियत से निखारी जाती है, वो बिल्कुल गलत है गवर्नमेंट का। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मुफ्ती जाहिद अली खान भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, अगर वो मेरी आवाज सुन सकते हैं। मुफ्ती जाहिद अली खान खुद देवबंद मदरसे से पढ़ के आए हैं और थियोलॉजी डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वहां पढ़ाते हैं, साथ ही जो रिलीजियस पूरा दारोमदार है उस पूरी यूनिवर्सिटी का उसके भी हेड रह चुके हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो फैसला आया है सुनने में, संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि क्या हर्ज है अगर महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि आप रिलीजियस एजुकेशन के अलावा अगर ये चार सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे बेसिक और हमसे एड भी ले जाएंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा मदरसों को? देखिए, असल बात यह है, जहां तक मैं समझता हूं कि हो सकता है सरकार की नीयत अच्छी हो, लेकिन जिस तरह से उसको कहा जा रहा है उसमें नीयत सही न मालूम होने का खतरा मालूम होता है। कहा तो ये जा रहा है कि हम ये मदरसों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा कि कहीं 40, कहीं 50, कहीं 60% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं पढ़ने जाते, और मदरसों के बारे में ये कहना कि वहाँ सिर्फ धार्मिक तालीम दी जाती है, ये बात सही नहीं है। कई रिसर्चेज हो चुकी हैं, तो इससे ये मालूम हुआ कुल मिलाकर दारुलूम, मजारुलूम, ददवा और जो बड़े बड़े मदरसे हैं उनमें भी कुल मिला के 30% एजुकेशन धार्मिक है और 70% जो है वो धार्मिक नहीं है। आप लैंग्वेज को कहते हैं कि अंग्रेजी अगर पढ़ेगा या हिंदी पढ़ेगा तो वो तो धार्मिक नहीं है, लेकिन अगर उर्दू पढ़ लेगा तो वो धार्मिक हो जाएगा, अरबी पढ़ेगा तो धार्मिक हो जाएगा, फारसी पढ़ लेगा तो धार्मिक हो जाएगा। ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। जो लैंग्वेजेस हैं, तो इसके अलावा जो और दूसरी चीजें हैं, जो कानून है, जो हिस्ट्री है और जो इसके लॉजिक है, फिलॉसफी है, और वहाँ इसके अलावा दूसरी बहुत सी चीजें पढ़ाई जाती हैं, सिर्फ करिकुलम थोड़ा सा अलग है।
ये कह देना कि मदरसों के अंदर सारी की सारी तालीम से धार्मिक और मजहबी होती है, ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन हाँ, अलबत्ता उसको उन्होंने गोया तरजीह देते हैं, उसको ज्यादा इंफेसिस होता है। तो महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला है उसमें ऐसा लगता है कि उसमें एक पहलू तो समझ में आ रहा है कि उन्हें जो राइट टू एजुकेशन है उससे अलग रखकर लाजमी तौर पर उन्हें मजबूर न किया जाए। राइट टू एजुकेशन अगर इस एतबार से किया जा रहा है तो इस हद तक तो सही है, लेकिन ताकि उनको बाकायदा एजुकेशन न समझना, इनको स्कूली एजुकेशन न मानना, स्कूल की तरह न मानना, ये सही नहीं है। आप जब दाखिला दें सरकारी स्कूलों या यूनिवर्सिटियों के अंदर, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामे मिलिया वगैरह दाखिला देती हैं जी, और बाकायदा वो करती है। आप जी, एक लेकिन लेकिन मुफ्ती साहब, लेकिन मुफ्ती साहब एक बहुत अहम सवाल, एक आध सब्जेक्ट में इजाफा कर दीजिए। मुफ्ती साहब एक बहुत अहम सवाल यहाँ अबू साले शरीफ साहब ने उठाया था, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये तय करते हैं कि अपने बच्चे को धार्मिक शिक्षा हम देंगे तो आपको सरकारी मान्यता क्यों चाहिए, वो सरकारी कागज क्यों चाहिए? वो देखिए, उसकी वजह ये है कि सरकार के स्कूल एक हैं, मदरसे हैं, और एक हैं गैर सरकार के मदरसे। तो गैर सरकारी मदरसों में तो इसकी जरूरत समझ में, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो मदरसे सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त हैं, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनको सरकार ग्रांट देती है, वहां उसकी इसलिए जरूरत है कि बच्चा फारिग होने के बाद आगे अगर एजुकेशन हासिल करना चाहता है तो उसको दाखिला ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए सरकार की जरूरत पेश आती है। उसके पास कुछ एडिशनल चीजें हैं, एडिशनल चीजें हो जाने की वजह से उसकी जो डिग्री का वेटेज है वो खत्म नहीं होना चाहिए जी। ये सबसे बड़ी बात है कि डिग्री का वेटेज होना चाहिए, वो किसी न किसी स्टैंडर्ड में जाके दाखिला होना चाहिए। और जहां तक महाराष्ट्र का ताल्लुक है, मैं पर्सनली उनके यहाँ गया हूँ, एक मिनट जरा से माफी चाहूंगा, मैं मेरी बात सुन लीजिए। महाराष्ट्र के मदरसों में मैं खुद गया हूँ, मेरे ख्याल में 80% मदरसे ऐसे हैं जिसके अंदर हर बच्चा जब डिग्री लेके मदरसे से निकलता है तो वो इंटरमीडिएट की काबिलियत के बराबर भी काबिलियत उसके पास होती है। तो महाराष्ट्र में बाकायदा उर्दू मीडियम से बाकायदा वहाँ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट भी होता है। जी। तो अकेले स्टेट है पूरे इंडिया के अंदर कि जहाँ पूरा सिस्टम मौजूद है जी। और उर्दू मीडियम के बच्चे वहाँ 10 साल से टॉप भी कर रहे हैं ज्यादातर महाराष्ट्र को, और पूरे महाराष्ट्र में नंबर वन पढ़ा रहे हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जाना चाहूंगी, मैं वापस लौटने की कोशिश करूंगी आपकी तरफ। शेष नारायण जी, कई महत्वपूर्ण सवाल इस बीच उठ गए हैं। पहली बात, मुफ्ती साहब ने ये कहा कि अगर हिंदी अंग्रेजी आप पढ़ा रहे हैं और अगर उर्दू फारसी पढ़ा रहे हैं, अरबिक पढ़ा रहे हैं, तो वो धार्मिक एजुकेशन और वो धार्मिक एजुकेशन नहीं है। किस तरह से ये हम भाषाओं में फर्क कैसे कर सकते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने उठाई है कि दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाया जाता है, चाहे वो दूसरी भाषा में पढ़ाया जा रहा हो, क्या हम इसे एजुकेशन नहीं कहेंगे? भाषा तो चाहे जो पढ़ाई है उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अब जो समित पात्रा जो बात करें, एकनाथ खड़से जो है, इसके तो मुझे लगता है समझ में नहीं आया क्या सरकार का ऑर्डर है, कुछ भी कह दिया होगा, अखबार ने रिपोर्ट कर दिया होगा। वो कह रहे हैं उनके पास सर्कुलर है, और अगर वो ये सरकार के सर्कुलर में ये है कि जो आपके मदारिस हैं उसमें साइंस भी पढ़ाइए, मैथमेटिक्स भी पढ़ाइए और दीगर चीजें अगर पढ़ने की बात वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज एक मौका है मदरसों के पास मॉडर्नाइज करने का। मॉडर्नाइजेशन और मदरसा क्यों डॉक्टर, यही तो था कि भाई आप हमको आर्थिक मदद करिए। और लेकिन एक इसमें इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई गड़बड़ है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि उर्दू माध्यम से आपको हिसाब नहीं पढ़ने देंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? पूरी दुनिया में अलग अलग मीडियम से भाई चाइनीज भाषा में पढ़ के लोग पूरा डंका बज रहा है, जापानी भी पढ़ के अंग्रेजी तो नहीं जानते वो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक खामखा उन्होंने एक शिगुफा छोड़ दिया है। और मैं जो संबित जो बात कह रहे हैं, उनके हाथ में अगर जो सर्कुलर है, और मैं जानता हूं कि संबित झूठ नहीं बोलेंगे, तो उस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। और इन मदरसों को, सही बात यह है कि जो बच्चे भाई बच्चों गरीब बच्चे होते हैं मदारिस में जो बच्चे जाते हैं, और अगर उनको आप ये बड़े नदवा की दारुल देवबंद की इन मदर इन, ये तो यूनिवर्सिटीज हैं भाई, तो बहुत बड़े सेंटर्स हैं, इनकी बात कौन करता है? लेकिन जो गले मोहल्लों में आप बताइए कि मौलवी साहब मर्सिडीज कार से उतर रहे हैं, तो वो गरीब बच्चे के नाम, इन सब की तो मुखालफत हमको करना ही पड़ेगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो एज ए कम्युनिटी क्या हासिल होने जा रहा है? क्योंकि वो जो बच्चे जो मेंटली तैयार हैं, किसी से कम नहीं है, उनको आप साइंस क्यों नहीं पढ़ने? आप हिस्ट्री में जाइए डॉक्टर साहब,
अलीगढ़ के मूवमेंट में सारा सारा हल्ला ही यही था कि साइंस नहीं पढ़ने देंगे, तो क्यों नहीं साइंस पढ़ने देंगे आप? तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की मंशा जो भी हो, सियासी मंशा पे हम नहीं जाते, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि आप साइंस पढ़िए, आप मैथमेटिक्स पढ़िए, तो इस बात पर हम जानते हैं कि नहीं रोक सकते। उर्दू पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि इसको क्यों ना एक कल्चरल एक पहचान के तौर पर देखा जाए, हम इसे क्यों फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ने लगे हैं? तो फिर उसमें तो सरकार की क्या जरूरत, जैसे आपने कहा, लेकिन हमें लगता है कि चूंकि देखिए सरकार अगर ग्रांट दे रही है, और दीनियात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीनियात है, दुनिया के हर बड़ी यूनिवर्सिटी में, वेंडरबिल्ट टॉप यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, और उसमें डिविनिटी स्कूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल है, तो अगर दीनियात की एजुकेशन दी जाती है तो फिर क्या बुराई है भाई? रिलीजन को सही तरीके से अगर समझने के मौके मिलते हैं तो क्या बुराई क्या है उसमें? डॉक्टर शरीफ जी, सचर कमेटी में जब हमने देखा इसको, तो ये बात सही है कि 3% ऑफ एनरोल्ड चिल्ड्रन एंड 4% ऑफ एलिजिबल चिल्ड्रन, मुस्लिम चिल्ड्रन गो टू मदरसा। यूपी बिहार में थोड़ा ज्यादा है, मगर हमारा रिकमेंडेशन क्या था? हमने ये रिकमेंडेशन दिया कि इन बच्चों को जो मदरसों से पढ़ के बाहर निकलेंगे, इनको एक इक्वलेंस स्केल दीजिए कक्षा के हिसाब से, सो दैट दे कैन गो टू द मार्केट विथ ए इक्वलेंस डिग्री। अब वो इक्वलेंस डिग्री के लिए आपको 4-5 चीजें बेसिक चाहिए। आप अपना एजुकेशन, कल्चरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन लीजिए, उसके साथ आपको मार्केट में जाना है तो आपको लोकल भाषा चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, कंप्यूटर साइंस भी चाहिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी चाहिए। दिस इज द गॉड्स गिफ्ट एजुकेशन। तो जो कुरान पढ़ने वाला जो खारी है, तो उनको अगर मैथमेटिक्स भी थोड़ी समझ आ जाए तो क्या बुरा है? क्या एकदम परफेक्ट है? और अच्छा है। अब देखिए, मैं कुछ दिनों से मैं अमेरिका में रहता हूं, वहां पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खुतबा देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं मस्जिदों में जी। हमें बहुत अच्छा लगता है, ये मॉडर्न कल्चर है, डिविनिटी स्कूल उनके इंपॉर्टेंट मॉडर्न कल्चर है। तो हमारे बच्चों को हमको मॉडर्न एजुकेशन देना बहुत जरूरी है, मगर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन नहीं चाहिए, उनका एक चॉइस है। अब हमारे डेमोक्रेसी में हम उनको गले में फांसी तो नहीं लटका सकते कि अरे भाई तुम क्यों नहीं भेज रहे हो बच्चे को, या फिर मान्यता रद्द कर देंगे। मगर अगर कोई ऐसे बंदे हैं, सिर्फ वो उसी तरह का एजुकेशन देना चाहते हैं जो वो चाहते हैं, उसके लिए भी हमारे देश में छूट है, और उसके लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। समित पात्रा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, बैठे सभी मेहमान इससे सहमत है, और शायद कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस बात से असहमत नहीं हो सकता कि तमाम वो चीजें होनी चाहिए जो आधुनिक दुनिया से जिनका रिश्ता है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ शेष नारायण सिंह ये कह रहे हैं कि सरकार ये धमकी दे या डंडा चलाए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम मान्यता रद्द कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। अबू साले शरीफ ये कह रहे हैं कि विकल्प होना चाहिए, एक लोकतंत्र में विकल्प बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नहीं देखिए आरफा, आप समझ जाइएगा तो मुझे लगता है डिबेट ही नहीं होगा और हर कोई खुशी खुशी घर जाएंगे। आप समझ जाइए, यहाँ डीरेकॉग्नाइजेशन की तो बात ही नहीं हो रही है। कोई सरकार ये नहीं कह रही है कि आप मदरसा बंद कर दीजिए, मदरसा में आप उर्दू मत पढ़ाइए, मदरसा में आप इस्लामिक डॉक्ट्रिन मत पढ़ाइए, वैदिक स्कूल में आप मंत्र मत पढ़ाइए। अरे वो सब तो आपका फर्ज है, वो आप करते रहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार सिर्फ हेडकाउंट, कल 4 जुलाई को एक हेडकाउंट करेगी कि कौन कौन लोग मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं और कौन नहीं पढ़ते हैं। अगर इतने लाख लोग नहीं पढ़ते हैं तो कितना पैसा खर्चा होगा इनको पढ़ाने के लिए, वो पैसा प्रोक्योर करेगी और मदरसों को कहेगी आइए ये पैसा ले जाइए, आप पढ़ाना चाहें तो पढ़ाइए, तब आपको पैसा देंगे, नहीं पढ़ाना चाहें तो जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं वही कंटिन्यू करिए, वो पैसा हम आपको नहीं देंगे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, जहां तक उर्दू और अरबी पढ़ाने की बात है, देखिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज कहने का अर्थ है, हिंदुस्तान के संविधान में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड है, उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप पढ़िए, कोई भी लैंग्वेज पढ़िए, ऐसा नहीं आप उड़ीसा में उड़िया पढ़िए, आप महाराष्ट्र में मराठी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, उर्दू पढ़िए, असमिया पढ़िए। लेकिन मुफ्ती साहब कह रहे थे कि उर्दू अरबी को धार्मिक भाषाएं मान लिया जाता है। नहीं, कौन ये कॉन्स्टिट्यूट, मैंने कहा ना कौन संवैधानिक रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि वो धार्मिक लैंग्वेज माना जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है उन भाषा में आप पढ़ सकते हैं, दैट इज लैंग्वेज। चलिए समय मेरे पास बिल्कुल समाप्त हो गया। देखिए मैं कल सुबह
कल कल से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं, एक बात उठ के आ रहा है, जो लोग मदरसा के विषय में कह रहे कि मदरसा होना चाहिए, वो सारे लोग अमेरिका में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो कभी मदरसा गए नहीं और वो चाहते हैं कि मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन नहीं हो, ऐसा चलिए ठीक है, अमेरिका जाना उतनी बुरी बात नहीं। हिलाल साहब लास्ट वर्ड। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना मासूम नहीं है जितना ये बता रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से सर्कुलर को इन्होंने स्पष्ट करने की कोशिश की, इतना मासूम नहीं है। उसके बाद जो लगातार बयान आए हैं वो बहुत और बहुत कुछ कहते हैं। साक्षी महाराज का बयान देखिए। हाँ, जो बयान आए हैं और जो ये ट्रिगर किया है कंट्रोवर्सी, वो इतनी मासूम नहीं है। और इसमें से जो इसका राजनीतिक पक्ष है, उसको ये कहना कि मदरसों से रोका जा रहा है, एक बार फिर जो बात आ रही है वो ये आ रही है फॉर्मल स्कूल वर्सेज मदरसा, और मदरसे का ताल्लुक मुसलमानों से है, तो बात ले देकर घूम फिर कर फिर मुस्लिम एजुकेशन तक सीमित हो रही है। या अगर वाकई में राइट टू एजुकेशन की बात करनी है तो मदरसा एक कॉन्स्ट्रेंट है, एक बहुत बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा है, तो उस पर कोई सिस्टमैटिक स्टडी, कोई सिस्टमैटिक मूव होना चाहिए था सरकार का। इस तरह से आप ट्रिगर कीजिए और बिल्कुल मासूम बनकर कहिए कि हमें तो नहीं पता, तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।